दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं मॉर्निंग के नाश्ते में बनाऊंगी ब्रेड पकोड़ा। तो ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आलू ले लिया है करीबन 500 ग्राम, और उसको मैंने बॉईल कर लिया है और मैश भी कर लिया है छिलके विलके हटा करके। और इधर मैंने लिया है बेसन, और ये देखिए धनिया पत्ता लिया है जिसको मैंने कट सट करके ले लिया है, प्याज ले लिया है बारीक चॉप करके। उसके बाद इधर ढेर सारा मिर्ची मैंने, क्योंकि तीता तीता खाने का बिल्कुल से मन हो रहा है सर्दी खांसी में। और इधर लहसुन की कुछ कलियां मैंने लिया हुआ है। तो चलिए फिर फटाफट से ब्रेड पकोड़ा बनाया जाए और संडे स्पेशल मनाया जाए। और फ्रेंड्स, मैं अभी नहाई धोई नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ उठ के मॉर्निंग के कामों में लगी हुई हूँ। कपड़े लत्ते धोना वोना ये सब कर रही थी मॉर्निंग से ही, क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा लेट सेट उठना बनता है। और अभी सडनली बेटी के मैसेज आया हुआ है मोबाइल में कि उसको ट्यूशन रहेगा 9 बजे से, इसी वजह से मैं नहा नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो फटाक से नाश्ता बना करके उसके बाद कुछ खिला के उसको भेज दूँ, उसके बाद आगे मैं सारे कामों को निपटाती जाऊँगी और नहाना धोना भी होता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लहसुन की कलियों के साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक क्रश करके ले लिया है। और ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हुआ उसमें मैंने चिल्ली कट किया हुआ डाल दिया, और लहसुन अदरक सारा चीज़ डाल दिया, प्याज भी मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैंने यहाँ पे भून लिया है प्याज को। उसके बाद मैश किया हुआ आलू मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आलू जैसे जैसे हमारा फ्राई होता जाएगा, सारे मसाले जो भी है सूखे ड्राई वाले वो सब मैं ऐड करती जाऊँगी। तो उसमें मैंने नमक डाला है और जीरा मरीच का पाउडर डाला है, बस यही सब डाला है। और हल्दी का मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है, क्योंकि बेटे का फरमाइश था कि विदाउट हल्दी वाले चोखा बनाना मम्मा, तो इसीलिए मैंने हल्दी यूज नहीं किया है। और धनिया को कट सट करके मैं रखी थी तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है एंड में। उसके बाद इधर देखिए कि चाय मेरा उबल चुका था, मॉर्निंग का चाय जो है बन के रेडी हो चुका था। तो मैं अब करूँगी बेसन का पेस्ट रेडी। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया, उसके बाद उसमें हल्दी डाला, नमक डाला, उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के पानी डाल के ये देखिए एक थिक थिक सा बैटर मैं रेडी कर लूँगी। कुछ इस तरीके का कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। उसके बाद ये देखिए स्टफिंग करते हुए मैं ब्रेड को रेडी कर लूँगी कुछ इस तरीके से। आलू भी हमारा थोड़ा सा गर्म था, बट सुबह में मैं जो हूँ थोड़ा सा जल्दीबाजी में चल रही थी, बेटी को ट्यूशन निकलना था 9 बजे के करीबन, और ये 7:30 बजे का क्लिप है जो मैं यहाँ पर ये देखिए कि डीप फ्राई कर रही हूँ। और इस तरीके से मुझे डीप फ्राई करके निकाल लूँगी। हालांकि रोस्टेड में करती तो वो सैंडविच बन जाता, बट मैंने यहाँ पे डीप फ्राई किया हुआ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो डीप फ्राई पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभार ही होते हैं। और डीप फ्राई किया हुआ मुझे इस टाइप का ब्रेड पकोड़ा बहुत पसंद है एक्चुअली में। और सर्दी खांसी जब से लगी है तब से तीता तीता खाने का एक मन हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए ब्रेड पकौड़ा बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैंने सर्व भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आ जाइए आप सभी, संडे इन्जॉयमेंट का समय साथ स्पेंड करेंगे। और यहाँ देखिए कि बेटी का प्लेट मैं रेडी करूँगी अब। तो सारे पकोड़े निकल चुके हैं और गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा आता है इसको। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी मोटी आज की डिश रेसिपी जो भी बोलिए। और थोड़ा सा मेरा बेसन जो है घोला हुआ वो बच रहा था, तो मैंने प्याज ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, मॉर्निंग का नहाना धोना काम जो है ख़त्म हो गया है और बेटी भी ट्यूशन के लिए निकल चुकी है। नाश्ता वगैरह मैंने उसको करा दिया है, और आज उसकी ऑटो मिस हो गई तो मैंने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया और वो आकर के उसको रिसीव करके लेके गई। और सुबह का जो भी है शेड्यूल जो है ना बिल्कुल भागम भाग वाला हो जाता है। ट्यूशन आने का जब इसका मैसेज वगैरह मोबाइल में जब भी देखती हूँ बिल्कुल हड़बड़ाह से जाती हूँ, और फटाफट से उठ करके सारी चीज़ों को करना। ऐसे दिमाग में तो चल रहा होता कि आज संडे है, आज कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिससे मुझे परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, बट संडे मेरा संडे नहीं रह जाता है। मॉर्निंग को जैसे ही नींद खुली तो बेटी के मोबाइल में मैसेज देख के थोड़ा सा मैं वो हो गई थी, बिल्कुल से इरिटेशन मुझे हो गया कि चलो आज भी मतलब फटाक से उठो, सारे कामों को करो, जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह कराओ, क्योंकि 9 बजे ट्यूशन के लिए जाना, फिर 2 बजे तक आना, तो फिर नाश्ता वगैरह ना कराओ तो वो हो जाता है, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम तक रहना है, नज़दीक भी नहीं है। तो ये सोच के फटाक से उठी और नाश्ता जो भी हो सिंपल वे में करा के मैंने उसको भेज दिया है। और अभी नहा धो करके कम्प्लीट हो चुकी हूँ, और आज संडे है, मतलब हमारे घर में तो भाई कहना नहीं है कि क्या बनाना है करके। तो मैं बनाऊंगी चिकन, हालांकि मैं चिकन की रेसिपी ना शेयर करूंगी आप लोगों से और ना दिखाऊंगी, सिर्फ ओरल में बता दे रही हूं कि चिकन बनेगा।
सकती हूँ, तो मैं रेसिपीज वगैरह कुछ भी शो नहीं करूँगी, बस यूँ ही चलेगा ब्लॉगिंग का काम आज। तो चलिए फिर आगे कहाँ जाके मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोगों को वीडियो पे बने रहिएगा आप लोग। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग भी आ रहे हैं चैनल पे नए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स इधर देखिए कि मेरा नाश्ता लग चुका है, बिल्कुल जरा सा चाय और एक पकौड़ा, ये है मेरा आज संडे का नाश्ता। तो चलिए फिर फटाफट से मैं नाश्ता करती हूँ और वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, आगे मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं आज दोपहर के लंच में, मैंने जैसा कि बोला कि चिकन बनाऊंगी, तो चिकन का रेसिपी मैंने जो है स्किप कर दिया है, मैं चिकन का रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। तो मैं पुलाव बना रही हूँ, बस उसी का रेसिपी मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। तो इधर मैंने पुलाव का चावल ले लिया है, यहाँ देख सकते हैं मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से ली हूँ। और इधर पुलाव में जो जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे यूज करूँगी, तो उसको यहाँ पे अरेंज कर लिया है। ये किशमिश थोड़े से लिए हैं, थोड़े से काजू ले लिए हैं, एक इलायची लिया हुआ है मैंने, और दो तीन ये देख सकते हैं कि लौंग है, और एक थोड़ा सा पत्ता है तेज पत्ता। तो चलिए इन सबके हेल्प से मैं बनाऊँगी। और तो चलिए फिर फ्रेंड्स, यहाँ कुकर हमारा जो है गरम हो चुका था, तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल के उसके बाद खड़े मसाले जो भी मैं ली थी तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद चावल को अच्छे से वॉश करके यहाँ पे ये देखिए कि डाल दिया है। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसी तरीके से फ्रेंड्स बनाती हूँ जो भी है। तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने मेजरमेंट के हिसाब से पानी डाल दिया है कि चावल जितना था मेरा उसका डबल मैंने पानी लिया है। और थोड़ा सा नमक डाल के मैं ढक्कन को कवर कर दूंगी अच्छे से, और दो तीन सीटी आने तक मैं वेट कर लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तीन सीटी से पहले मेरे कुकर में नहीं बन पाता है। तो यहाँ देखिए तीन सीटी जैसे ही आ गया था, उसके बाद मैं ढक्कन को यहाँ पर गैस रिलीज होने के बाद खोल दिया है। तो अच्छे से ये देखिए बन के रेडी हो चुका है हमारा दोपहर लंच संडे का स्पेशल। तो दोस्तों दोपहर का लंच वंच करके टाइम जो है मेरा बिल्कुल निकल चुका है, कपड़े प्रेस करना, सारी चीज़ों को अरेंज करना, क्योंकि कल मंडे वाले दिन से वही काम जो है बिजी शेड्यूल हमारा फिर से स्टार्ट होने वाला है। और संडे कैसे निकल गया इसका भी अंदाज़ा नहीं लग पाया। और टाइमिंग जो है अभी करीबन 5:30 होने वाले हैं, बाबू गया था खेलने के लिए, अभी खेल करके आ गया है, और आज वो एक काम मेरा कर दे रहा है, दिखा देती हूँ आपको। अभी देखिए फ्रेंड्स, खेल उल के आया, उसके बाद सांझ में आज ये दिया बत्ती कर रहा है। और मैं ना बैठी हुई थी, पानी नहीं टच करूँगी ये सोच के, तो बोलता है मम्मा मैं कर देता हूँ करके ये सांझ बत्ती में आज लगा हुआ है बाबू। वाह बहुत खूब, बहुत अच्छा, आज संडे का ड्यूटी बाबू कर रहा है। तो जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि अंधेरा कायम हो चुका है बिल्कुल, अब लाइट बत्ती जलाना ही है, ऐसा समय हो चुका है। मेरी बालकनी की जो ये लाइट है ये फ्यूज हो चुका है, तो मैंने जो है यहाँ पे नाइट बल्ब लगाया है, जिसके कारण से क्लीन नहीं हो पाता है, ये नाइट बल्ब है तो इसकी वजह से मुझे उजाला नहीं दिखता है। ये बल्ब जो है मुझे चेंज करना होगा, और बाकी का ठीक है, शाम तो हो गया है, और बाकी अभी जो है अब रात के खाने की तैयारी चलेगी। और मुझे लगता है कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप लोगों से बातें करते करते, बातें तो होती हैं तो मन तो नहीं होता है कि वीडियो का एंड करूं। और फ्रेंड्स करूंगी मैं वीडियो का आज यहीं पे एंड, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।